करने के लिए पहले भी लोगों ने ये पूछा, मेरे को देखना होगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। दो तीन अलग अलग जो क्वेश्चंस थे उनका एक साथ मैं मिला करके आपको फिर से बताऊंगा कि आपको देखना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट किन किन सब्जेक्ट मैटर्स में है। उससे वो एक चीज है जो आपको एक गोल की तरफ में लेकर के जाएगा। दूसरा चीज ये देखना है कि कितने तरीके के प्रोफेशंस हैं दुनिया में। मेन स्ट्रीम प्रोफेशन होता है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट। अब उनके बारे में समझना कि इस प्रोफेशन में एक वापस में होगी उसी जगह पे मैं जाऊंगा कि एक कंसिस्टेंसी थी मेरी लाइफ में, एक रूटीन था। हमारा एक रूटीन हुआ करता था कि सुबह मॉर्निंग में इस समय से इस समय तक पढ़ाई करनी है, शाम को इस समय तक पढ़ाई करनी है, और उस रूटीन को मैं मिस नहीं होने देता था। ऑफ कोर्स उस रूटीन में मेरे पापा का भी योगदान है कि जिन्होंने सजेस्ट किया कि रूटीन फॉलो करो। लेकिन आज ये देख करके लगता है कि जो रूटीन फॉलो करता था कि मुझे इस समय तक पढ़ाई करनी है शाम को और इस समय तक सुबह पढ़ाई करनी है, तो करनी है चाहे जो कुछ भी हो जाए, और करनी है तो उस समय को यूज करना है। ये नहीं कि ठीक है अगर मैंने बोला है कि मुझे 6 से 8 पढ़ाई करनी है तो मैं उसमें टाइम पास कर रहा हूँ, मैं उस 2 घंटे को पूरी तरीके से यूज कर देता पढ़ाई करने। और दूसरा एक गोल बनाना कि और ये सोचना कि आज मैंने क्या अचीव किया। अभी मैं जो उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहा था कि आप एक स्केड्यूल रखिए और एक गोल रखिए कि पर डे पर वीक बेसिस पे मुझे क्या अचीव कर लेना है। जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, अगर किया है तो कैसे किया है मुझे बता दो। तो मैं यही बोलूँगा पहले आप कोशिश कीजिए, दो तीन बार खुद से नहीं हो पाता है तो फिर आप कंसल्ट कीजिए अपने टीचर से या अपने फ्रेंड से। लेकिन उनसे कंसल्ट करने के पहले अपने आप को दो तीन अपॉर्चुनिटी दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद भी खुद उसे सर्व कर लेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा वर्सेस कि आपको कोई बताए कि कैसे सर्व करें। ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये करना है। जैसे अगर आपको मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मैथ और साइंस ही करना है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि करना है तो फिर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके पास एक मोटिवेटिंग फोर्स है, आपके पास एक गोल है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, और उस गोल अचीव करने के लिए मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ, और चाहे जो भी बाधाएं आए जो कुछ भी हो मैं ये गोल अचीव करूँगा ही करूँगा। तो वो गोल आपको मोटिवेट कर देगा कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। तो अगर आप उस गोल को हमेशा ही अपने दिमाग में रखिए तो वो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होगा और आपको मोटिवेट करेगा और इंटरेस्ट जगाना शुरू कर देगा कि उन सब सब्जेक्ट मैटर्स में जो आप करना चाहते हैं। मैं क्रैक करने के लिए जा रहा हूँ बट दूसरे शहरों से भी तो टॉपर जा रहे होंगे, तो मैं अगर जितना ही पढ़ाई कर लूँ मेरे अंदर एक डर है कि मैं उनको बीट नहीं कर सकता हूँ, तो ये फियर वो कैसे आ रहा है? मैंने जैसे कहा था कि मैंने बोला कि कुछ लोगों को लगता है कि अरे मैं बहुत तेज हूँ या दूसरा लड़का बहुत तेज है, और ये सही चीज है। कई बार लगता है कि मैं छोटे शहर में हूँ, मैं आधा शहर में हूँ, मैं नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में जाना चाह रहा हूँ, कुछ लड़के दिल्ली के होंगे, कुछ बॉम्बे के होंगे, कुछ और जयपुर के होंगे, कुछ और भी बड़े बड़े स्कूल्स के होंगे। लेकिन अंत में अगर आप जाकर के देखिए, चाहे जो भी नेशनल लेवल के स्कूल्स हैं जहाँ पर सारे जगहों के बच्चे आते हैं, बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन मिलेगा आपको। जब मैं IIT बॉम्बे में गया था तो ऐसा नहीं था कि सारे मेट्रो सिटीज के ही बच्चे थे वहाँ पे, हर जगह के बच्चे थे। तो अंत में फर्क वही पड़ता है कि किसने मेहनत किया किसने नहीं मेहनत किया, आप किन शहरों में हैं, आप किन स्कूल से आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप इंडिया के किसी भी स्कूल्स को देख लीजिए, दूसरे स्कूल्स में भी मेरे
दूसरे कॉलेज के लिए बहुत गौरव की बात है कि एक ये आरा के रहने वाले जो विदेशों में पढ़ाई करके आज आपके स्कूल में आए हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्या क्या उन्होंने बताया अभी तक? आज हमारे यहाँ मुंबई के IITM जिन्होंने ओहियो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, फिर USA में मल्टीनेशनल कंपनी में वो जूनियर डायरेक्टर हैं। और मेरे लिए खुशी की ये बात है कि कॉलेज लाइफ में हम दोनों डिबेटर रहे थे, जब भी डिबेट होती थी कॉलेज की वो मेरे पार्टनर रहे हैं पीयूष। तो यहाँ आज हमारे स्कूल में आकर के बच्चों को कैरियर काउंसलिंग किए ताकि हम अपनी लाइफ में अगर कुछ हमारा एम है तो हम किस किस स्टेप में क्या करेंगे तो हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जो भी लाइफ में सक्सेस इंसान है अपनी ऊंचाइयों पे बैठा हुआ है, बच्चे किसी ना किसी को अपना आदर्श मानते हैं, या फिर जो भी सक्सेस लोग हैं वो आकर के बच्चों को गाइडलाइन करते हैं कि हाँ हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों को, इस रूटीन को फॉलो करें। या जो भी फैकल्टी है, जो बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या फिर लॉ को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उस तरह के लोगों को बुला करके हम लोग समय समय पर बच्चों को गाइडलाइन दिलवाते हैं। किस क्लास के बच्चे इस सेमिनार में? अभी फिलहाल हम लोग 10th के बच्चों को इसमें इन्वॉल्व। कितना मील का पत्थर साबित होगा आज ये जो? देखिए, अब हम क्या लेते हैं, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में थे, तो अगला जो बोल रहा है उसको, उससे हम क्या ले रहे हैं, हम जितना लेते हैं अपने लाइफ में हम उतना सक्सेस करते हैं। तो हर एक बच्चों का अलग अलग है कि वो क्या लेता है, जो वक्ता है या फिर जो उनके सीनियर हैं उनसे कितना अचीव करता है, कितना अपने मन में बिठाता है, कितना उस पर फोकस करता है, उसकी लाइफ में उतना ही काम देगा।